सो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आसाम में रहता हूँ। आसाम का यहाँ पे हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा बदतर हो रहा है। जैसे कि 10-15 दिनों से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है, और उस बारिश के कारण जो स्पेशली आसाम का जो न्यू हाफलोंग है, डिमासाव है, और आसाम में जितना भी और आसाम का जितना भी एरिया है लगभग सब कुछ डूब ही चुका है। और जैसे कि मैं जहाँ पे था, मैं सिलचर आसाम का जायतला बोल के एक जगह है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो वहाँ का बाहर भी बहुत ही ज़्यादा पानी हो चुका है। और इतना पानी हुआ कि मैं छाती तक चल के आना पड़ा, छाती तक पानी था मेरा। और ऐसा हुआ है कि मैं इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है अभी, और इसके लिए वीडियो बनाना तो दूर की बात है ना। सिचुएशन ठीक है ना, मूड ठीक है। मैं वहाँ से लगभग कैसे कैसे निकल के आया, आके अभी सिलचर पे हूँ, अभी सिलचर टाउन पे। लेकिन यहाँ पे भी पानी का जो हिसाब है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पानी जो बड़ा चाहिए यहाँ पे सिलचर का, तो वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो मेरा यही दरख्वास्त है कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग फ्लड अफेक्टेड है, उनको हम लोग मिल के जितना हो सके हेल्प करें। और सिचुएशन वैसे ही बदतर हो रहा है, सब घर में रहिए। और आप लोग देख ही सकते हैं कि वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि कैसा हालत है अभी आसाम का। तो जो लोग आसाम के नहीं है वो लोग देख सकते हैं कि आसाम का हालत अभी कैसा हो रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो रहा है, इसके कारण ना तो वीडियो बना पा रहे हैं, ना ही हम बाहर जा पा रहे हैं। सामान का दाम भी बहुत बढ़ चुका है, सब्जी मिल नहीं रहा अच्छे से। हमारा जो मेघालय के साथ जो सिलचर का बराक वैली का जो कनेक्शन है वो भी टूट चुका है लगभग, और ट्रेन लाइन का हालत भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो यही है कि आप सब लोग मिलके प्रे कीजिए, आसाम के लिए प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द ये फ्लड का जो ये महामारी है वो ख़त्म हो जाए, और ये जो इतना खतरनाक जो अभी सिचुएशन हो रहा है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि सब लोग अपने असल लाइफ में फिर से वापस लौट के आए, खुशहाल ज़िंदगी आए फिर से। तो आसाम के लिए प्रे कीजिए, और आप लोग वीडियो हल्कर दरबारी के साथ बने रहिए।